हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अपन पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके कैसे PWM वाला इफ़ेक्ट अपन अचीव कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि PWM में हम LED को कैसे उसका जो ब्राइटनेस है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ही हम पोटेंशियोमीटर के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को हम वेरिएबल रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, और इसका बेसिकली यूज़ रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब इससे आप रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 पिन है, एक ग्राउंड के लिए है, एक 5 वोल्ट के लिए, और एक इससे हम और ये पिन से एक्चुअली हम अपना जो रेजिस्टेंस है उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के पोटेंशियोमीटर होते हैं, एक लीनियर होता है और एक लॉगरिथमिक होता है। ठीक है, लीनियर पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि वो रेजिस्टेंस को एक कांस्टेंट रेट के साथ चेंज करता है। ठीक है, और जो लॉगरिथमिक पोटेंशियोमीटर है वो क्या करता है, वो पहले तो स्लोली स्लोली रेजिस्टेंस को चेंज करता है और फिर एकदम तेज़ी से चेंज कर देता है। ठीक है, तो बस इतना ही है पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि इससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक LED का इस्तेमाल करूँगा ताकि आप देख सकें कि ये काम कैसे करता है। और हाँ, जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं रेजिस्टेंस के, वो लो से मिड तक जाते हैं। मतलब ये पूरा घूम गया, जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा घूम जा रहा है ऐसे। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस चेंज करना है तो पहले तो ये 0 से लेके हाई तक जाएगा, फिर हाई से फिर लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये देखिए, ये 3 पिन है अपने पास, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है और यहाँ पास मैंने एक LED लगाया हुआ है, इसका जो पॉजिटिव एंड है वो इस साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियोमीटर का जो 5 वोल्ट वाला एंड है उसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पास 5 वोल्ट यहाँ पास है, मैं इसे 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ आर्डिनो के 5 वोल्ट। इसके बाद ग्राउंड को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ग्राउंड भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब जो हमारा जो बीच वाला पिन था उससे हम कनेक्ट करेंगे LED के पॉजिटिव टर्मिनल को, और नेगेटिव टर्मिनल को हम कर देंगे ग्राउंड। मैं पहले कम कर देता हूँ पूरा, उसके बाद ये मैंने कर दिया ग्राउंड। ठीक है, तो कनेक्शन पूरा हो गया, इसके लिए हमें कोई स्केच की ज़रूरत नहीं है। तो अभी कनेक्शन पूरा हो गया, अब मैं अभी जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, इसलिए आप देख सकते हैं कि आप जो हमारा LED बल्ब है वो जल नहीं रहा है। और जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए ये बढ़ना चालू हो गया है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया है और हमारा LED ब्लिंक हो रहा है, सॉरी जल रहा है। देखिए अब ये फुल में हो गया है और ये अपने पूरे रेजिस्टेंस में है। ठीक है, तो इसे हम कम भी कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर जलने से हमारा LED ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम बिना रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं। आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके रेजिस्टर के जगह पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं और रेजिस्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।